बहुत से लोग जो होते हैं ना, ये कपड़ा है, हाँ कपड़ा, ये कपड़ा ये आराम करता है। जैसे कि बहुत से लोगों ने पिन्नी लगाई और पाल लगा दिया, अपना पाल लगा दिया। जब वो बुखारी लगाते हैं तो वो पिन्नी पानी छोड़ती है। अच्छा, जब वो पानी छोड़ती है तो उससे निमोनिया बनने का खतरा रहता है फार्म में, और बच्चा भीजता है, ठंड खाता है। ये कपड़ा ना भीजेगा। मैं जो अपनी लगाता हूँ, 1000 बच्चे पे 1 किलो गुड़। अच्छा। और उस पानी में कुछ और भी डालते हैं? डाला 500 ग्राम सौंठ। अच्छा, 500 ग्राम अजवाइन, उसे खूब फुलवाता हूँ और थोड़ा सा नमक डलवा देता हूँ, जैसे 50 ग्राम 60 ग्राम पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे द एग्रो इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आए हैं रामपुर और कैमरी में आए हैं, और यहां पर काफ़ी समय से कर रहे पोल्ट्री फार्म को आज हम उनसे आपको मिलवाने वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं सर से, सर का नाम और जहां पर ये वीडियो शूट हो रही है, यहां का क्या एड्रेस है, कैसे है सर? बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, बढ़िया सर। सर, हमारे जो दर्शक हैं इनके लिए अपना नाम बताइएगा और जहाँ पर हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ का एड्रेस। सर, मेरा नाम है रईस अहमद, यहाँ का नाम है ग्राम बिड़पुरा, जिला रामपुर, तहसील बिलासपुर, थाना केमरी, पोस्ट केमरी। अच्छा, तो सर आप इस फील्ड में कब से हैं? सर, मैं इस फील्ड में हूँ 2007 से। 2007 से, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है अपना तो सर। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, ऊपर अच्छा। वाले की दुआ से। अच्छा अच्छा, तो ये जो सेड है अपना, ये लगभग दो सेड मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, दो सेडों की क्या लंबाई चौड़ाई होगी? इसकी लंबाई एक सेड की 130 फीट है, चौड़ाई 22 फीट है। अच्छा, किस क्वांटिटी में बना रखा है, इसमें कितने बच्चे आ जाते हैं? ज़्यादातर तो लोग पूरब और पश्चिम बनाते हैं, मगर अच्छा। ये उत्तर और दक्षिण बना हुआ सेट है। अच्छा, उत्तर और दक्षिण। हाँ, तो अभी जो अपने पास बच्चे पड़े हुए हैं ये कितने दिन के हैं? ये आज पहले दिन के आए। आज पहले दिन के हैं, तो अब दिखाते हैं अपने जो हमारे कृषक भाई हैं इनको, आज पहले दिन के जो बच्चे हैं उनके क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से रखना चाहिए, ब्रूडिंग कितने टाइम करनी चाहिए, क्या टेम्परेचर रहना चाहिए, क्या दाना और किस तरीके से मेंटेनेंस करना चाहिए ब्रूडिंग में। तो अब चलते हैं भाई इनके ब्रूडिंग चैम्बर में और वहाँ पर हम लोग दिखाते हैं आपके लिए कि किस तरीके से सर ने मेंटेन कर रखा है। ब्रूडिंग चैम्बर है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो गर्मी लग रही है, तो अभी टेम्परेचर कैसा है इसका? टेम्परेचर सर लमसम 90 से 95 डिग्री होगा इस टाइम। 90 से 95 डिग्री होगा। अच्छा। जब लाइट आ जाएगी तो इसका और बढ़ जाएगा। बहरहाल, अगर सभी किसान हमारे भाई अगर ये इतना रखते हैं टेम्परेचर पहले दिन तो उनका बच्चा छीज नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आज ये बच्चा आया है तो आप जो इसको पीने के लिए पानी दे रहे हैं ये किस तरीके का पानी दे रहे हैं? देखिए, पानी पीने का बहुत से तो कम गुड़ इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, मैं जो अपनी लगाता हूँ 1000 बच्चे पे 1 किलो गुड़। अच्छा, 1000 बच्चे पर 1 किलो गुड़। और उस पानी में कुछ और भी डालते हैं? डाला 500 ग्राम सौंठ। अच्छा, 500 ग्राम अजवाइन, उसे खूब खुलवाता हूँ। हाँ। और थोड़ा सा नमक डलवा देता हूँ, जैसे 50 ग्राम 60 ग्राम पर। खुलवाने का मतलब उसको उबालना है? उबालना। अच्छा, उबाल के ठंडा करके तब दिया जाता है? उसे छान लो, बगैर अपना जो और पानी है सादा उसमें मिला लो। अच्छा। बुखारी है ये कितने टाइम चल जाती है, ये एक टाइम की भरी हुई? सर, मैं तो इसे 24 घंटे चलाता हूँ। अच्छा, अभी दाना सर क्या चल रहा है? प्री स्टार्टर। अच्छा, प्री स्टार्टर चल रहा है। ये है, ये सुबनाई शालीमार कंपनी का है। चलिए, अभी इसमें बच्चे कितने हैं? 4800 आए हैं आज। 4800 बच्चे आज आए हैं, तो 4800 बच्चों के लिए कितने ड्रिंकर रख रखे हैं यहाँ पर? 4800 बच्चों के ड्रिंकर हैं मेरे, दाने के हैं इसमें 70 और पानी के हैं 70। अच्छा, फीडर और ड्रिंकर 70-70 है। 140 बर्तन है इसके अंदर। 140 बर्तन है। अच्छा, तो जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसमें साफ बढ़ाते रहेंगे जाएंगे, आगे को जगह बढ़ती चली जाएगी। अच्छा। वैसे बर्तन बढ़ते चला जाएगा इसका। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर लाइट जाने पर आप क्या करते हैं? लाइट जाने पर अव्वल तो ये इन्वर्टर चल रहा है। हाँ, और अगर हमें हीट की ज़रूरत है फिर जनरेटर चलाएंगे। अच्छा, जनरेटर पर चल जाता है। फिलहाल में अभी तो बहुत सारी गर्मी बनी हुई है। चलिए, और कुछ इनकी हेल्थ के लिए कुछ दवाई वगैरह, कुछ इंजेक्शन वगैरह इनकी हेल्थ के लिए? सर, जो मैं जो लगाता हूँ, जैसे कि आज मैंने इन्हें गुड़ का पानी दे दिया, ये रात तक पी पाएंगे। अच्छा, सुबह को न्यूडॉक्स फोर्ट पाउडर लगाऊंगा। हाँ, और सार्कोफेरोल दोनों मिला के 5 दिन लगातार लगाता रहूँगा। अच्छा, उसके बाद में 6ठे दिन एंड्रोडेक BH और लीवर और किडनी बस। अच्छा, वो मतलब वो किस काम में आती है दवाइयाँ? लीवर और किडनी, लीवर को ठीक करती है, और नेफ्रो RX जो है वो किडनी को ठीक करती है। चलिए,
तो अभी तो जो बच्चा देख रहे हैं सभी स्वस्थ हैं। ये आज पहले दिन का बच्चा है, कितने दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा और क्या वेट पहुंचेगा इसका? ये सर 35 से 36वें दिन पहुंचेगा, 2 किलो या 2100 ग्राम। 2 किलो 2100 ग्राम। और 40 दिन तक अगर हम पूरा पालते हैं तो 2400 या 2500 ग्राम पे पहुंचेगा। 2400-2500 ग्राम तक पहुंच जाता है। अच्छा, इसमें सेल आपको करना पड़ता है या कंपनी ही माल उठा लेती है? सर ये कंपनी का बच्चा है तो कंपनी ही सारा बच्चा उठा कर लेकर जाएगी, हमें उसकी पलाई देती है। आपको आपके मेहनताना देती है कि आपने 40 दिन रखना और बच्चे को तैयार करके आपको देना है कंपनी को। जी, जी, जी। रेट आपका कंपनी फिक्स करके आपको दे देती है मेहनताना। अच्छा चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर सर ब्रूडिंग कर रहे हैं और ब्रूडिंग का सिस्टम मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। साइड में ये देख रहा हूँ सर ने एक अच्छी जानकारी ये दी कि मैंने अधिकतर जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर देखा है कि ब्रूडिंग चैम्बर में ये जो तिरपाल लगा होता है ये नॉर्मल तिरपाल लगा होता है, ये जितना जो चौफरता ये कपड़ा जो लग रहा है, हाँ ये बहुत से लोग 10 दिन 15 दिन बुखारियाँ जलाते हैं, ये कपड़ा अगर ये गर्म एक बार अगर हो जाएगा तो 24 घंटे में मात्र एक बार ही भट्टी भरना पड़ेगी किसानों को। अच्छा 24 घंटे में एक बार। हाँ, इतनी हीट बना कर रखेगा जी अपने अंदर। अच्छा, अगर कोई किसान ये कपड़ा नहीं लगाता है तो उसको थोड़ा मेंटेन करने के लिए ज्यादा कॉस्ट आएगी उसके? हाँ, कम से कम इस बिना कपड़े के 10 से 15 हज़ार फालतू आएगा। 10 से 15 हज़ार। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर ने मेंटेन करके रखी है ये ब्रूडिंग चैम्बर, तो यहाँ पर सर ने जो कपड़ा लगाया वो उसका मीनिंग ये है कि आप जो किसान है यहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपए के प्रॉफिट कर सकते हैं अगर ये लगाते हैं तो। उसका रीजन क्या है, जैसे बाहर तिरपाल लगा है और पिन्नी लगी है, जब वो गर्म होती है तो तिरपाल और पिन्नी पानी देना छोड़ना शुरू कर देती है। अच्छा, जब वो पानी देना शुरू करती है जो हीटियां बनती है वो पिन्नी पीना शुरू कर देती है तो बच्चे को इतनी हीट नहीं बन पाती। ये जब कपड़ा होता है तो वहां तक हीट को जाने नहीं देता है तो वो वहीं रखता है, वो ठंडी रहे कैसी रहे बाहर वाली। तो अभी ये इस बच्चे की कब तक ब्रूडिंग चलेगी सर? अभी तो फिलहाल ये 4 दिन ब्रूडिंग रहेगी, इसमें 2 दिन रहेगा, 2 दिन के बाद में जगह बढ़ेगी, उसके बाद में 2 दिन उसमें रहेगा, उसके बाद में सब सिमट जाएगा। अच्छा दोस्तों, बाहर ठंड है लेकिन अंदर गर्मी है और पसीना आ रहा है, तो टेम्परेचर आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से सर ने मेंटेन कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जो ये ब्रॉयलर फार्मिंग है यहाँ पर अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहला ध्यान सर ब्रूडिंग में दिया जाएगा। सबसे ज्यादा पहला दिन है ब्रूडिंग का ही, ब्रूडिंग का। अच्छा, इसमें जब ब्रूडिंग के लिए बच्चे आते हैं तो काफी सारी मेहनत लगती है, पूरी रात भर जग के इधर उधर बच्चों को भगाना होता है? नहीं सर, अगर उसके अंदर ब्रूडिंग अच्छी है तो वो तो एक मिनट ऐसे ताला मार के सो जाए घर आराम से, एक बच्चा भी चीज नहीं हो सकता। अच्छा सर, मैंने अधिकतर देखा है पोल्ट्री फार्मों पर पूरी तरीके से पूरे रात भर 24 घंटे वो ड्यूटी देते हैं ब्रूडिंग में, कि बच्चों को इधर उधर भगाते रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, इसलिए। अच्छा, दूसरी एक उसमें और बता दें, जो 24 घंटे बच्चे को जगा के जो रखते हैं फार्मर, वो बच्चे को और ज्यादा लूज करते हैं। अच्छा, यानी कि कमजोर कर देते हैं बच्चे को। वो लूज करने का उनका क्या है, बच्चे को थोड़ा सा सोना होता है, आराम उसके शरीर को तब आराम मिलेगा। जब वो हुआ फार्म के अंदर होता है वो थोड़े से इकट्ठे हुए ये, उन्हें हुई के हुई हिला दिया, वो सो नहीं पाता तो वो और नींद की वजह से लूज होता है। सोना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अपना सर ने दिखाया ब्रूडिंग चैम्बर और इसमें कुछ यूनिक ये लगा कि जो सर ने तिरपाल डाल रखा था, तो सर के द्वारा जो दी गई जानकारी थी बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको लगी हो तो वीडियो में कमेंट और लाइक वीडियो को जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप सर के द्वारा फार्मिंग में जुड़ना चाहते हो या फार्मिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम का हल चाहिए तो आप सर से डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सर से बात कर सकते हो। और सर मुझे ये बताइए कि जो हमारे दर्शक हैं अगर वो आपके पास फ़ोन करते हैं, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनका सोल्यूशन देंगे? सर जरूर सोल्यूशन देंगे, जितना हमें याद है उतना जरूर बताएंगे। बिल्कुल सर, मैं बता दूं सर ने 2007 से स्टार्ट किया, 2007 से सर ने पोल्ट्री फार्म को स्टार्ट किया और शुरू से 1000 बच्चे से शुरुआत करी थी जो आज 5000 पे है, साल में या 1.5 साल में 10000 की होगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। अच्छा, तो सर साल में जो सर का फ्यूचर प्लान है 10000 की पोल्ट्री बनाने का प्लान है, और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि सर का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विश्वास है और एक्सपीरियंस सर को इतना हो चुका है कि वो अपने दम पे 10000 की पोल्ट्री ले जाना चाहते हैं। अभी सर के पास अगर देखते हैं तो लगभग अभी कितने की लगभग 5000 की है, तो डबल करना चाहते हैं आगे 102 साल के अंदर जी ये करना चाहते हैं। तो
जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल से और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे पोल्ट्री से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड अन्य सभी वीडियो। थैंक यू।